से प्रश्न का उत्तर कौन सी पेज पर है, कितना भी कर लेंगे। पहले हम लोगों ने मंत्र बताया कि इसमें है, अब आप वो भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम पेज नंबर बता देंगे, ऐसे रहेगा। तो आप उस क्वेश्चन के आगे पेज नंबर लिख लें तो आपको एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं, बस जाकर एक बार वो सब देख लेंगे, एग्जाम रेडी हो जाएगा सबको 80% के ऊपर। हमने आपसे कहा था जब हम एग्जाम करेक्ट करते हैं तो हमें 80 से नीचे देने की इच्छा नहीं होती, या तो 80 के ऊपर देते नहीं तो फेल करते। तो आप लोगों के ऊपर तो खैर प्रभुपाद ने बहुत सारे उसमें प्रमाण दिए कि किस तरह श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये सब जगह कहा गया। तो आप देखिए पूरे ईश्वर में प्रभुपाद कैसे हम लोगों को ऊपर की ओर ला रहे हैं। शुरुआत में नहीं कहा प्रभुपाद ने, भगवद गीता के शुरुआत में ही दूसरे अध्याय में जैसे ही आया श्री भगवान वाच, प्रभुपाद ने सारा लिख दिया कृष्ण भगवान है, ये सारे प्रमाण जैसे यहाँ दिए वहाँ लिख दिए। लेकिन ईश्वर में देखिए शुरुआत से कहीं पर ये नहीं कहा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं वर्णन कर दिया। लेकिन अब जब इतना समझ में आ गया है कि भगवान का रूप है, भगवान निराकार नहीं है, कई बार बोलकर अब ये बता रहे हैं कि ठीक है भगवान निराकार नहीं है तो कौन है भगवान, अब कृष्ण भगवान। तो प्रचारकों को प्रभुपाद से सीखना चाहिए कि कैसे प्रचार करना है। प्रचार करने की विधि होती है ना, प्रभुपाद का मूड है प्रचार करने का, तो इस तरह से करना चाहिए। सीधे किसी नए व्यक्ति को जाकर ये नहीं कहना चाहिए आप मांस खाते हो पापी हो आपका कभी आप नरक में जाओगे, इसको समझा कर फिर धीरे से उसको सत्य बताना, ठीक है। तो आगे बढ़िए श्री ईश्वर सर, हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है जो समस्त अंकुरण का स्रोत है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा ही वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देता है। उपचार, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ ही साथ कसाई घरों में तीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। हाँ, तो हम लोग सेवा का अर्थ क्या है यहाँ पर बताया गया, हमें जड़ से सींचना चाहिए। किसी भी वृक्ष को जब जल दिया जाता है तो हर पत्ते पर हर टहनी पर नहीं दिया जाता, सीधे जड़ में सिंचन किया जाता है। तो अगर जड़ को हम दे देंगे जल तो फिर स्वाभाविकता वो सारे पूरे पेड़ पर पहुंच जाता है। इसी तरह हमें किसको जड़ कौन है, कृष्ण है, अगर उनकी भक्ति करेंगे तो सबकी भक्ति होती है। ये घबराना नहीं चाहिए कि अरे हम इतने समय से इनकी भक्ति कर रहे थे वो बंद करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब वो प्रसन्न होगा। जितने देवी देवता हैं अगर उनकी जड़ में जल डाला जा रहा है तो उनको भी पोषण मिल रहा है। तो जैसे हम हरेक पत्ते पर जाकर हरेक पत्ते की पानी नहीं डाल सकते, ऐसे ही इतने सारे देवी देवता इनकी की पूजा करोगे तो इसलिए जड़ में डाल दीजिए, कृष्ण की करिए, अपने आप उनका पोषण पहुंच जाएगा। आपकी भक्ति आपकी सेवा हर देवता तक पहुंच जाएगी अगर आप कृष्ण की सेवा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भगवद गीता के कुछ आपको रेफरेंस दिए गए हैं इस संबंध में कि जड़ को सींचना चाहिए, तो वे आप लिख सकते हैं ताकि कभी आगे आपको इस विषय को कहना हो तो कौन कौन से श्लोक को आप कोट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दूसरे अध्याय से 5वें से 7वें 9वें से और श्रीमद् भागवतम के 4वें स्कंद का ये श्लोक है, तो इसको आप और इसमें प्रभुपाद ने ऐसे अलग अलग तात्पर्यों में इस चीज़ को कहा है, यही श्लोक को इन जो श्लोकों को हम कोट कर रहे हैं, ठीक है आगे बढ़िए। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म जरा रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर देता है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस बंधन को छुड़ा जा सकता है। भगवान संभूत अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने का भी स्वयं आते हैं।
मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति से परमेश्वर की शरण ग्रहण करने का करना तथा पूजा करने की इच्छा देता है। इस मंत्र में ईशोपनिषद का यही उद्देश्य है। अशांति के इस युग में परमेश्वर को पूजा करने की सरल विधि है। उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना, किंतु मानसिक तर्कवादी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक है, अतः वे उनके सुनने से करताते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वाक्जा का आविष्कार करते हैं। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगे गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने का लिए घुसला कर खुद का विज्ञापन करते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और भगवत के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि जनता को इन पाखंडियों तथा छद्र अवतार के अपवित्र प्रचार के किस प्रकार बचाए। एक तरफ ऐसे धोखेबाज पाखंडी लोग हैं तो जो जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन उसके कारण बाकी अन्यों का भी नाम खराब होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि भक्तों के लिए जो सही दृष्टि में ज्ञान दे रहे हैं उनके लिए बहुत तकलीफ बनी हुई है। क्यों तकलीफ बनी हुई है? क्योंकि ये लोग सारा धोखा देते हैं। हम लोग लिख रहे हैं कि उनके लिए क्यों प्रॉब्लम है, जो शुद्ध भक्त हैं जो बचाना चाहते हैं, क्योंकि लोग ऐसे गलत स्थान पर जब चले जाते हैं तो उनको वापस आने के लिए बड़ा कष्ट होता है, बचना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है हम जो कर रहे हैं वही सही। और ऐसे जो धोखेबाज लोग हैं ये किस लिए करते हैं? अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को भगवान बनाने के लिए। तो केवल ये झूठा पाखंड और झूठा प्रचार होता है। जैसे एक बार हम एक व्यक्ति से मिले तो हमसे बात करते करते उसने कहा हम भी दीक्षित हैं, लग नहीं रहा था देख करके कुछ दीक्षा के नियम पालन करते हैं। उसने कहा हम भी दीक्षित हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, तो क्या पालन करते हैं आप, कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम बुधवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और बोले सर में तेल नहीं लगाते हैं, कंघी नहीं करते हैं। और हमने कहा तो ऐसे उसने दो तीन चीज़ें कही, तो हमने कहा केवल बुधवार के दिन, बाकी दिन क्या? बोले नहीं बुधवार के दिन केवल, क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी दीक्षा हुई थी। बहुत अच्छा। तो मतलब उनके गुरु ने उनसे कहा था कि भाई तुम्हारी बुधवार दीक्षा हुई है, उस दिन खाना पीना नहीं, बाकी दिन जो करना है वो करो, कोई चिंता नहीं। तो जब लोगों को ऐसे कहा जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना है करिए, बस हमें गुरु मान लीजिए, हमारे आदर सम्मान कर लीजिए, तो लोगों को अच्छा लगता है, कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब लोगों को जीवन में बदलाव करना है उनमें कष्ट आता है। साधारण बदलाव, लोगों को कहिए चाय पीना छोड़ दीजिए, छोड़ना नहीं चाहते और उल्टा प्रश्न करते हैं क्यों छोड़े चाय पीना, ऐसा क्या उसमें पाप है? उनको पूछना चाहिए जरा सी चीज़ है छोड़ना क्यों नहीं चाहते? अगर कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं तो छोटी सी चीज़ चाय नहीं छोड़ना चाहते, क्यों नहीं छोड़ना चाहते? उल्टा प्रश्न करते चाय में क्या है, क्यों छोड़ना चाहिए? अगर चाय में कुछ नहीं है तो क्यों नहीं छोड़ सकते? सरल चीज़ है ना, चाय में कुछ है तभी तो आप छोड़ नहीं रहे हो। चाय नहीं पीने से सर दर्द हो जाता है, चाय नहीं पिए तो ये हो जाता है वो हो जाता है, हाँ? तो क्या मतलब है कि चाय में कुछ है जो आपको उसको छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहा है, इसीलिए छोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद दिख रहे हैं कि जो लोग शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं उनके लिए कठिनाई है। हम लोगों को बहुत कठिनाई है लोगों को समझाने में कि ये छोड़ने में क्या, आप ये सब क्यों कहते हैं, ये छोड़ो वो छोड़ो, इसीलिए लोग थोड़ा घबराते हैं इस्कॉन में आने में। इस्कॉन वाले नियम बड़ा पालन करते हैं, इसलिए बाहर अच्छा। जहाँ नियम ना हो, व्यक्ति कहे बस आओ मुझे दंडवत करो, महीने में मुझे पैसे दे जाओ, बाकी आपको जो करना है करो, आपकी दीक्षा हो गई। तो क्या दीक्षा दी है, कौन सा मंत्र है, क्या हो रहा है, उससे क्या प्रगति, गुरु को लेना देना कुछ नहीं है। हजारों लोगों को एक साथ पंडाल में दीक्षा दे दी, पता भी नहीं कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, और सब दीक्षित हो गए सब बुधवार के दिन आगे पड़े हैं।
अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती है, लेकिन समस्त उपनिषदों के सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। तो यहाँ बताया गया है, कई बार लोग कहते हैं उपनिषदों में कहाँ वर्णन है कि कृष्ण भगवान है, आप लोग केवल कृष्ण भगवान है भगवान ही कहते हैं, कहाँ दिया गया है कि कृष्ण भगवान है? तो प्रॉपर कह रहे हैं कि सारे उपनिषदों में उन्होंने ईश्वर उपनिषद के द्वारा ये दिखला दिया कि सीधे नहीं इनडायरेक्टली कृष्ण की ओर थोड़ो। तो इसीलिए प्रभुपाद ने सबको समझाया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, सब समझाते हुए अंत में समझाया कि उपनिषदों के अनुसार ही वो जो परम सत्य है वो कृष्ण है। ये आप लोगों ने जो कल कोटेशन सारे देखे ना मार्ग के, तो ये समझाने के लिए कि कृष्ण ही परम भगवान है। प्रभुपाद कह रहे हैं इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से सारे उपनिषद बता रहे, लेकिन सीधे किसमें बताया गया? भगवद्गीता। अहम सर्वस्य प्रभवम अत्र सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। सब कुछ मुझसे आता है, मैं सब चीजों का सोर्स हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। इसलिए श्री कृष्ण जैसे हैं उसी रूप में उन्हें भगवत गीता तथा भागवतम से सुनने से मनुष्य का कर्मशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। थोड़ा धीरे धीरे, मैं जो बात कर रहा हूँ कह रहे हैं इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उनकी सहायता करते हैं। भगवत गीता 10.10 में इसी बात की पुष्टि करती है। तो अब आप इस ये जो पैराग्राफ शुरू हुआ है इससे प्रभुपाद भक्ति की जो 9 अवस्थाएं हैं उनका वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। दिखाने प्रभुपाद ने, लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिफाई इसको देखते जाएंगे। तो पहली भक्ति की क्रिया क्या है? प्रभुपाद ने कहा श्रवण कीर्तन करते हैं या उससे जैसे भक्तों के संग्राते हैं। तो भक्ति की 9 अवस्थाएं क्या हैं? वो 9 अंग हैं: आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। ये भक्ति की स्टेजेस अवस्थाएं हैं, 9 अवस्थाएं। श्रवण कीर्तन ये भक्ति के 9 अंग हैं जिनसे भक्ति की जाती है, और जब वो करते हैं तो कौन सी अवस्था प्राप्त होती है वो ये है। तो प्रारंभ होता है श्रद्धा से। तो यहाँ प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ही कृष्ण ही भगवान है, ये श्रद्धा की स्थिति है कि हमारे अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो आदो श्रद्धा हो गई, और फिर वन शुड हियर फ्रॉम भगवद गीता भागवतम, हमें ये प्रक्रिया शुरू करनी होती है तो साधु संघ के साथ। तो अब यहाँ जो प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया भागवतम का कि कैसे हमें श्रवण कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, ये क्या है? भजन क्रिया। भजन क्रिया का अर्थ क्या होता है? जब हम साधुओं के संग में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? भजन क्रिया मतलब भगवान के बारे में सुनना है। भक्तों के साथ में आकर हमें पिक्चरों की बातें नहीं करनी है। जब कहा जाता है कि भक्तों का संग, तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम लोग 6 भक्त मिलकर मूवी देखने गए, सत्संग हो गया। यही कहेंगे ना, सब भक्त साथ में थे, राइट? तो वो भक्तों का संग नहीं है। भक्तों का संग क्या है? मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति चरमन्ति च। भगवान ने खुद कह दिया, क्योंकि वो जानते थे कि आप लोग यही करेंगे, राइट? सारे भक्त मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं, यही भक्तों का संग है, सही है? और क्या किया था क्रिकेट? और अब कोई नहीं बोलेंगे ये कहाँ बोलेंगे, अरे बोले भाई ये सब आपको नहीं बोलना चाहिए। खैर वो भी संग था, लेकिन हमारे कहने का अर्थ ये है कि वो ही केवल संग है या वो सत्संग होना चाहिए। भक्तों के साथ में आकर मिलना ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या करना है? अचिंता मतगत प्राण दो जनता परस्परम कथयंतश्च मां नित्यं। तो जब अवस्थाएं आती हैं, सबसे पहले हमारी श्रद्धा होती है।
हमें लगता है कि हाँ भगवान है, क्या है क्या है सब स्पष्ट नहीं है, लेकिन है भगवान में श्रद्धा, तो फिर हम कृष्ण के पास आते हैं, फिर उसके बाद भक्तों का संग करते हैं, और फिर भक्तों के संग में भजन क्रिया होती है, तीसरी अवस्था है। हम लोग कौन सी अवस्था, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके बाद अन्य स्थिति, तो हम लोग कौन सी अवस्था में है अभी? अनर्थ निवृत्ति में। आप सबके अनर्थ दूर चले गए। अनर्थ निवृत्ति वो अवस्था है जहाँ हमारे सारे अनर्थ निवृत्त, हम अनर्थ से निवृत्त हो चुके। अनर्थ निवृत्ति का शब्द का अर्थ यही है कि जितने हमारे हृदय में अनर्थ है वो सब जा चुके हैं। तो अभी आपने कहा कि आप सब कहाँ हैं? अनर्थ निवृत्ति की अवस्था, हमारी अवस्था भजन क्रिया की है इस समय। हम लोग अभी अनर्थ निवृत्त, और अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचना ही चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब तक कोई अनर्थ निवृत्ति की अवस्था तक नहीं पहुंचता वो ब्रज भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। अनर्थ निवृत्ति यानी हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ है उनकी निवृत्ति, जैसे सेवा निवृत्ति हो जाती है जिसको रिटायर कहते हैं, तो उसके बाद उनकी सेवा बंद हो जाती है, जॉब बंद हो जाती है, तो ऐसे हमें जितने भी अनर्थ है उनसे रिटायरमेंट लेनी है। जब तक नहीं लेंगे तब तक कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते ठीक से। ठीक है, आगे बढ़े। जो अगली अवस्था है, अगले प्रारंभ में अध्याय इसके पैराग्राफ में, ये अनर्थ निवृत्ति की अवस्था पढ़िए। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का सारा कर्मश दूर हो जाता है जो रजो तथा तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। काम पढ़ रहे हैं वैसे मात्र जो का एक बाकी था वैसे कोई बात नहीं, चलिए पढ़िए। अभी आपने पढ़ लिया। भक्त कर्म रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं जो रजो एक बार प्रारंभ से पढ़िए। हमने ध्यान से भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वो सारा कलश दूर हो जाता है जो रजो तत्व और तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये है अनर्थ निवृत्ति। क्या होता है? श्रृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु ह्यभद्राणि विघ्नोति सुहृत्सुता। तो हृदय के जितने भी अभद्र है अनर्थ है वो चले जाते हैं कैसे? श्रृण्वता स्वकथा कृष्णा। ठीक है, आगे पढ़िए। भक्त कर्म रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता और जो तमो गुणी है वह न तो यह जान सकता है कि वह क्या है न यह कि भगवान क्या है। अतः रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती चाहे वह कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमो गुण भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं इस तरह सत्व गुण में अवस्थित हो जाता है जो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है। ये अवस्था है निष्ठा, स्थित हो जाता है। जब अनर्थ निवृत्ति हो गई उसके बाद निष्ठा होनी चाहिए, तो ये निष्ठा की अवस्था है। हाँ, आगे बढ़े। यहाँ पर कहा गया है समझकर हमने सोचा था जी 15 श्लोक कंप्लीट कर देंगे चुप रहेंगे, लेकिन पता नहीं यहाँ बैठने के बाद आपको देखने के बाद क्या होता है। सोच कर हम यही आते कुछ नहीं बोलेंगे, आँख कान सब बंद रखेंगे। यहाँ जो कहा गया रजो और तमो गुण, तो भक्त के लिए आवश्यक है अपने आप को सत्व गुण में रखना और जो अनिवार्य है सत्व गुण के लिए उसको करना। लोग प्रश्न करते हैं कि ठीक है आप कहते हैं मांस नहीं खाओ, प्राणी को मारना है सब है, प्याज लहसुन में क्या तकलीफ है? कहाँ लिखा है वो पाप है? हम तो प्राणी को नहीं मार रहे, तो प्याज लहसुन में क्या तकलीफ है? वो हमें रजोगुण और तमोगुण में ले आता है। तो इसीलिए भक्त को सत्व गुण में बनाए रखने के लिए हर उस चीज को त्यागना है जो उसे नीचे के गुणों में खींचती है। इसीलिए हमारा आहार बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्या खाते हैं इससे हमारी चेतना बनती है। आहार ऐसा नहीं है कि बस भूख लगी कहीं पे भी गए कुछ डाल लिया मुंह में अब सब ठीक है, कहीं बाहर जा रहे हैं फास्ट फूड दिखाई दिया, फास्ट फूड को लोग वैसे एक और इंग्लिश में उसको एक शब्द कहा जाता है जंक फूड, है ना, जंक फूड। जंक फूड जंक समझते हैं कचरा, जंक मतलब कोई जंक पड़ा हुआ,
तो ये सब चीज़ें खाने से और उल्टा नुकसान ही हो रहा है। मेरे कोई डॉक्टर बता रहे थे, वो दांतों के डॉक्टर हैं, कि उनके पास बहुत से बच्चों को लाया जाता है क्योंकि उनके दांत मजबूत नहीं है। बोले उसका एक कारण है बेकरी प्रोडक्ट्स। बचपन से बच्चे को ब्रेड ही खिलाते जाओगे तो उसके दांत में शक्ति कहाँ से आएगी, उसने कभी गन्ना छीना ही नहीं है ना। आप लोगों ने छीना कभी गन्ना? पर दांत से, चाकू से नहीं। अरे लोग बचपन में से खाया करते थे ना गन्ना से। आप बताइए कौन से बच्चे खाते, अगर गन्ना खिलाते भी तो उनको प्रॉपर छील कर कट करके ऐसे खिलाते कि बच्चा आराम से खा ले, छीलने कितने ही देते है ना। वो लगता है ये सब थी, कितनी शक्ति उससे आती थी। भगवान ने जो व्यवस्था प्रकृति में की है परफेक्ट है। गन्ने को दांत से छील के खाने से दांत में बहुत शक्ति आ जाती है, लेकिन हमें लगता है छी छी गंदी बात है। स्पष्ट प्लेट में बढ़िया रख के लेकर आओ, बच्चों को ब्रेड खिलाओ, क्यों आराम से खा लेते, दांतों में शक्ति ही नहीं रहेगी उनको। जरा सा कोई जैसे बादाम तोड़ना हो, आप में से कितने लोग दांत से बादाम तोड़ सकते हैं? अरे सारे ब्रेड खाकर बड़े हुए लगता है। तो बादाम तोड़ना थोड़ी नहीं पाएगा कभी, दांत निकल आएगा बाहर। अखरोट तो ठीक है, बादाम की बात अखरोट तो बहुत आराम से होता है, ऐसे हाथ से उड़ जाते, इसके लिए दांत की जरूरत नहीं। तो खैर ये बताया गया है कि हमारा जो भोजन है ये हमें किसी भी, जैसे एक महान आचार्य थे यमुनाचार्य, उनका जीवनी का वर्णन हम पिछले रविवार को कर रहे थे राजा में, तो वहाँ बताया करने कि वो भटक गए थे, वो एक राजा बन गए, बहुत ज़्यादा भोगों में पड़ गए, रजोगुण बढ़ गया, तो उनको वापस लाने के लिए एक विशेष प्रकार का साग उनको रोज खिलाया गया जो खाने से केवल वो सत्वगुण में आ गए। तो एक व्यक्ति ने एक आयुर्वेद के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आयुर्वेदाचार्य, उन्होंने आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा कि जो सब्जी है ये आपको साधु बना सकती है या असुर बना सकती है, ये इतना शक्तिशाली है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए क्या खाना क्या नहीं। तो ये यहाँ पर है निष्ठा की अवस्था। आगे बढ़े, कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो धर्म बन सकता है। श्रीमद् भागवत 2:4 का कथन है। ये कोड दिया जा रहा है भक्ति की शक्ति के लिए। सब आप देखिए ध्यान से क्या क्या है। हमने बताया अवस्था अनर्थ निवृत्ति की हो गई, उसके पहले भजन क्रिया बता दिया, अब अनर्थ निष्ठा बताया, और निष्ठा में अब भक्ति की शक्ति बताई जा रही है कि कैसे ये आ सकती है, किसको आ सकती है। आराम से आराम से, इतना सुंदर श्लोक है। किराधुनांद्र पुलिंद पुलकशा आहिर शुन्हाय मनाक सागरह इरण्ये च पापाय दुपाशयाश्रया शुद्ध्यं दिकस्मै प्रभवेश्वरे नमः। कोई भी निर्देशात व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। तो ये भक्ति की शक्ति है। इन सब लोगों का वर्णन किया गया, किराट नांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यमना, इतने सारे लोगों का वर्णन जो वर्ण के दृष्टि से नीचे हैं, और उसके अलावा ये अन्य च पापा, इनसे भी अगर कोई पापी व्यक्ति हो, ये अन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया, अगर वो भक्तों का संग करता है, भगवान का नाम लेता है, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, तो निश्चित शुद्ध हो जाता, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता। अब इसके बाद निष्ठा के बाद रुचि की अवस्था का वर्णन प्रभुपाद कर रहे हैं। देखिए जो प्रभुपाद के तात्पर्य, उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद के मन में जैसा जैसा आ रहा था अचानक याद आया ये कहना है वो लिख दिया, फिर अचानक याद आया वो भी कहना है। सारे उनके चाहे इसके हों कोई और हों, सब बड़ी अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड है। कोई ऐसा नहीं, हम लोग जैसे ऐसे करते, हम लोग प्रवचन करते फिर याद आता है वो पॉइंट रह गया, फिर हम लोग उसको वापस बोलते, तो ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रक्चर्ड। हाँ जी पढ़िए।
कोई भी जन्म जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के बाद निर्देशन में शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सुखी हो जाता है। आज आपका भाग्य नहीं है। ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। हाँ, तो ये रुचि है, भक्ति में बड़ा उत्साह होना रुचि है। रुचि नहीं होगी तो उत्साह कहाँ से आए। हाँ जी, आगे बढ़े। उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्ति, यहाँ सॉरी हम पढ़ने नहीं देते हैं, ये हमारी गलती है। यहाँ कहा गया भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है, ऐसा है। अगर ऐसा होता तो आपको यहाँ अगर इतने भक्ति शास्त्र करने की क्या जरूरत है। भगवत ज्ञान स्वतः प्रकट होना है। घर में बैठिए, ओम शांति शांति कीजिए, शांति तो नहीं आएगी लेकिन कम से कम ज्ञान आ सकता है। नहीं, लेकिन फिर यहाँ आने की जरूरत क्या, वही प्रश्न है हमारा। घर पर बैठिए, दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। भजन क्रिया के स्टेज पे है। हाँ जी, हाँ, उसके बाद ज्ञान प्रकाश होता है। ओके, बहुत अच्छा। और उत्साह और प्रयास देख कर फिर भगवान देते हैं। अगर हमारे अंदर उत्साह नहीं है, प्रयास नहीं है, तो भगवान ज्ञान नहीं देते हैं, राइट। ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। क्या उस श्लोक में क्या कहा गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथितम् अर्थं प्रकाशन्ते महात्मनः। जो व्यक्ति यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, अर्थात अगर हमारा समर्पण पूर्ण है तब ये ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। क्योंकि हमारा समर्पण इस समय कहाँ है, केवल गुरु के प्रति है। हमने अपने जो समर्पण को, या कहना चाहिए अपने हृदय को, कई भागों में विभाजित कर रखा है ना। एक भाग घर में दिया हुआ है, एक भाग व्यापार में दिया हुआ है, एक भाग परिवारजनों में दिया हुआ है, रिश्तेदारों में दिया हुआ है, एक भाग समाज में दिया हुआ है, फिर जो छोटा सा भाग बचा है वो गुरु और कृष्ण को भी दिया हुआ है। तो कहाँ से प्रकाशन के बाहर करना, कहाँ से आएगा वो ज्ञान। तो ये निश्चित है कि अगर कोई पूर्ण समर्पण करता है, इसका प्रमाण क्या है, जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर गए हुए थे तो एक मंदिर में पहुंचे जहाँ एक व्यक्ति को भगवत गीता कैसे पकड़नी है वो भी नहीं पता था, रो रहा था। महाप्रभु ने कहा, क्या हो गया, मैं मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने कहा भगवत गीता पढ़ो, मुझे आता नहीं पढ़ना, तो फिर रो क्यों रहे हो, मैं चित्र देखकर रो रहा हूँ। भगवत गीता का चित्र है कि कृष्ण इतने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इतने भक्त वत्सल हैं कि अर्जुन के सारथी बन गए। ये देख देख कर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतने महान व्यक्ति को सारथी बने हुए हैं। महाप्रभु ने कहा, तुमने भगवत गीता समझ ली, रो रहा था देख देख के चित्र, तुमने भगवत गीता समझी। तो ये है प्रकाश अंत्य महात्मा। गुरु ने कहा भगवत गीता पढ़ो, पढ़ना नहीं आता, उल्टा पकड़ना है या सीधा उसको पता नहीं है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है, गुरु का विश्वास है उसको, उसने क्या नहीं महाराज कुछ और बताई है। जैसे हम लोग कभी कभी कर लेते हैं ना, लोग जाते हैं अपने बच्चे का नाम रखने के लिए महाराज के पास कि महाराज बच्चे का नाम रखना है गोपाल कैसा रहेगा। महाराज कहते ठीक है गोपाल रखो, फिर आज महाराज ने गोपाल नाम रखा, सही है। महाराज ने गोपाल, महाराज ने रखा नहीं, इसीलिए अभी कई सन्यासियों ने क्या कर दिया है कि लोग अपराध ना करें तो कहते चार पांच नाम लिख के दे दो, उसमें से हम एक दे देते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम कुछ कहेंगे महाराज ये नाम थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, जैसे कोई भक्तों का भाव किसी ने पास रखा है तो नाम बुलाने में तकलीफ होगी, तो बताने में तकलीफ होगी, तो जाना ही नहीं चाहिए गुरु के पास, अपने आप रख लेना चाहिए। इसीलिए हमारे समर्पण क्या, हमारे भाग में है समर्पण, बटा हुआ है सब जगह, तो इसीलिए हमें बहुत अच्छी तरह अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि वो भाव हमारा उत्पन्न हो। आगे बढ़िए, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वचन को भगवान इसे कि हाँ ये याद रखिएगा, केवल एक ही वचन है, बाकी किसी को पूरा नहीं करेगा, लेकिन इसको तो होगा। हाँ जी, भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होता जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल होता जाता है।
जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्तात्मा बन जाता है। तो ये जो ऊपर वर्णन किया प्रभुपाद ने कि वो अन्य आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, इसका अर्थ क्या है? भगवान से आसक्ति। तो यह आसक्ति की अवस्था है, क्योंकि अनासक्ति की पूर्णता आसक्ति में है। ये जान लीजिए, अनासक्ति केवल वैराग्य को नहीं कहा गया है कि सब कुछ छोड़ देना। निर्बद्धे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्छते, रूप गोस्वामी समझाते हैं कि क्या करना है आपको, जो कुछ है वो भगवान की सेवा में लगाना है, सच्चा वैराग्य है। केवल चीजों को छोड़ना ये वैराग्य नहीं है। हम छोड़कर हिमालय में चले जाएं, अगर हिमालय में भी चले जाएंगे तो क्या आप शुद्ध रहेंगे? नहीं रह सकते। जैसे हिमालय में हम गए थे हम लोग कुछ साल पहले, बद्रीनाथ इत्यादि, तो हम लोगों को भी शौक था कि देखे किसी योगी से मिले। सुना है हिमालय में योगी रहते हैं, मतलब हिमालय में है, तो बहुत सारे भक्त थे तो वो लोग चले गए अपना कहीं कहीं था, तो हमने सोचा कि किसी से तो मिलेंगे, तो कहीं कहीं ढूंढा तो गुफा में मिल गए। बाबा जी बैठे हुए थे और इतनी ठंड थी, सबने दो दो स्वेटर मफलर, ये -6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था और ये ऐसे बैठे बिना वस्त्र के, बस राख लगाई हुई है। बड़ा अच्छा लगा कि ये है योगी, हम लोग सब स्वेटर मफलर ये वो ये ऐसे। तो हमने उनसे बातचीत शुरू की, खैर बहुत सी बात हुई, उस पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, आप लोग सुनेंगे पूरा डिटेल तो बड़ा उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। तो संक्षेप में बता दें, तो हमने उनसे पूछा कि आप कभी नीचे जाते हो कि नहीं, बोले जाते ना कुंभ मेला में जाते हैं। हमने कहा आपको पता कैसे चलता है कुंभ मेला है? तो हमारे लिए तो इंटरनेट है, ये है, कैलेंडर लगे हुए हैं, सारा कुछ है, आपके यहाँ तो कुछ नहीं, गुफा में बैठे हुए हो, आपको कहाँ से मोबाइल वोबाइल चलता है, क्या है कोई इन्फॉर्मेशन? तो गए बाबा को सब पता चलता है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ये जो सैनिक देख रहे हो ना, हम लोग आप लोगों से बद्रीनाथ गए हैं तो चाइना बॉर्डर पर है, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पता है? ये भारत की अंतिम चाय की दुकान है। इसे बड़ा बोर्ड लगा हुआ, मतलब आगे जाने से पहले चाय तो पी जाओ, पता नहीं आगे क्या होगा, हाँ बॉर्डर पे कुछ हो जाए, गोली लग जाए, चाय पी के तो जाओ घर से। तो हम लोग वहाँ बॉर्डर पे थे तो बता रहे कि ये देखो ये जो सैनिक जा रहे हैं ना, ये सब इनके, ये तो मर जाए वहाँ पर, गोली लग जाए, ये तो इतनी ठंड मर जाए, लेकिन अगर बाबा से आशीर्वाद लेकर जाते हैं तो बचते हैं, नहीं तो बच नहीं सकते। इतना अहंकार कि व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, हिमालय में, जहाँ उसको सब कुछ त्यागना है, सब कुछ त्याग दिया लेकिन अहंकार को त्याग नहीं पाया। बाबा को सब मालूम है, मान लो भी बहुत सारी बातें कि हम विस्तार में नहीं कहना चाहते, लेकिन हमें यही लगा कि इनसे अच्छा एक हमारे इस कौन का साधारण सा भक्त है जो आते ही समझ जाता है मैं दास हूँ, नम्र हो जाता है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, जो करते हैं कृष्ण करते हैं। तो ऐसे वैराग्य का कोई लाभ नहीं, ऐसे हिमालय में जाने का कोई लाभ नहीं है। कई साल पहले हमारे एक भक्त गए थे तो वो भी ऐसे ढूंढते ढांढते ऊपर कहीं पहुंच गए, तो एक व्यक्ति बड़े गुस्से में था, इधर नहीं आना, क्रोध में दो लोगों ने कहा था उन बाबा के पास मत जाना। तो जब नहीं कहा जाता है तो आप जानते हैं ना हमारे अंदर टेंडेंसी है कि नहीं हम तो जाएंगे, तो क्या बड़े क्रोध में था, इधर नहीं आना जला दूंगा। क्या गलती हो गई, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया। उसने अपना क्रोध दिखाने के लिए पत्थर की ओर देखा, पत्थर टूट गया, इतनी उसके अंदर शक्ति थी। तो भक्त थे काफी सालों से, तो उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी आप कितने साल से यहाँ पर? बोले बचपन से, बाल योगी है। तो बोले इसके अलावा और कुछ प्राप्त हुआ? और सच में उसकी आंखों में आंसू आ गए, बोले इतने सालों में कुछ प्राप्त नहीं, बस इतना ही प्राप्त हुआ, आंखों से देखकर पत्थर तोड़ दिए, क्या लाभ है पत्थर तोड़ने के लिए, उसकी इतनी मेहनत करने की आंखा, ऐसे तोड़ता हथौड़ी में टूट जाएगा। तो ये चीजें हैं, जब जैसे कथा सुनाया करते थे ना कि हिमालय से आया 12 साल तपस्या करके, गांव में सबको बुलाया उसने, आओ आओ सब लोग आओ देखो मेरी शक्ति, नदी के किनारे ले गया और उसने देखा नदी से यहाँ से वहां चल कर गया पानी के ऊपर, वहां से हम लोगों ने क्या कमाई, क्या उसने इतने सालों में कमा लिया है, कितना ज्ञान हो गया, क्या व्यक्ति हो गया। एक बूढ़ा व्यक्ति था, बोले तुम्हारा ये जो सारा 12 साल तुमने तपस्या की 25 पैसे का ज्ञान है। बोले ऐसे कैसे 25 पैसे का? बोले क्या किया तुमने 12 साल में, नदी में यहाँ से वहां जा सकते हैं, वहां से मैं बोट वाले को 25 पैसे दूंगा, मुझे यहाँ से वहां ले जाएगा, वहां से यहाँ ले जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है ना।
लेकिन हम लोग ऐसे चमत्कारों से बड़े प्रभावित होते हैं। सर जी आपके यहाँ कोई करा के पानी पे चले आप लोग बराबर स्विमिंग पूल में गिरता ही नहीं कुछ और से नीचे पे जा, ये कोई भगवान नहीं बनते हैं। ठीक है कुछ सिद्धियाँ हैं मानना चाहिए कुछ उनमें विशेष शक्ति आ गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बहुत श्रेष्ठ भगवान को, इससे अलावा हमें भगवान की प्राप्ति ये होने चाहिए। ठीक है तो अंतिम स्टेज भाव की वर्णन की और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है, यह संभव की सिद्धि है जैसा कि श्री किशोर किशोर की इस मंत्र में कहा गया है। तो ये आखिरी भाव अवस्था का यहाँ वर्णन किया गया कि वो भगवान को हर क्षण देख सकता है, ये भाव की अवस्था है। ठीक है चौदहवा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप सबकी सहयोग होगा तो 15 आज कंप्लीट कर देंगे तो सॉरी 14 21 क्योंकि हमारे पास समय कम है। ठीक है 14 मंत्र संभुतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीत्वा संभूत्यामृतमश्नुते। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थाई देवताओं मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन भोगता है। तो यहाँ जो 11वें मंत्र में कहा गया था आपको ध्यान है कि भौतिक और आध्यात्मिक विद्या विद्या दोनों को जानना चाहिए, तो यहाँ पर भी यही कहा गया संभूति और असंभूति दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ वर्णन किया गया है 12 और 13 में हमने क्या देखा कि कौन व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, जो लोग अविद्या में लगे हैं इत्यादि से वर्णन है। तो अब यहाँ पर वर्णन है कि व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए तब हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य पढ़िए हरे कृष्ण। ज्ञान की तथाकथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता के अनेक भौतिक वस्तुओं को जन्म दिया है जिसमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित हैं, फिर भी वह जन्म जरा रोग तथा मृत्यु से मुक्ति दिलाने में विफल रही हैं। जब भी बुद्धिमान मनुष्य तथाकथित विज्ञानियों के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है तो वे अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान रक्षिकर है और अंततः मनुष्य को मृत्यु रहित बनाकर वृद्ध अवस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बना दिया जाएगा। हम होंगे कामयाब देखते ये कहते ना लोग, वो दिन कब आएगा वो पता नहीं। प्रॉपर कहते थे जैसे ना पोस्ट डेटेड चेक देना है, जैसे आपके बैंक में आज समझिए पैसा है नहीं आपके पास, आपने किसी को कहा मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए का चेक देता, कब का 25 साल बाद का, 25 साल बाद 1 करोड़ होगा कि नहीं पहली बात आपको नहीं पता, वो आदमी रहेगा कि नहीं पता। तो ये पोस्ट डेटेड चेक देने की तरह है कि एक दिन हम व्यक्ति हम मनुष्य को अमर बना देंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने उसे बताया तो वॉल्ट डिज्नी की कथा है ना, याद है आपको क्या था, प्रिजर्व कर लेते हैं हाँ बॉडी को प्रिजर्व करो, साइंटिस्ट को पैसा दिया और फिर उनके परिवार वाले ने उसको। तो ये जो वैज्ञानिक है सारा झूठ है, प्रॉपर पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो एक दिन हो जाएगा, अभी इतने समय से तो नहीं हुआ, सृष्टि की रचना हुए कितने समय हो गया, बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं पहले, हमारा विज्ञान कोई ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है। थोड़े समय पहले जाइए हिटलर के पास 8 या 9 बड़े तेज वैज्ञानिक थे, आजकल का विज्ञान कुछ नहीं है जो उनके समय में था। अभी तो हम अपनी बात अभी हम लोग कह रहे प्रगति, लेकिन उनके पास हमसे बड़े हुए वैज्ञानिक थे। और फिर आप और पीछे जाइए इतिहास में कितने हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे हमने रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया, कैसे बांधा, ऐसे कुछ विज्ञान तो रहा होगा,
रामायण में वर्णन है कि जब रामचंद्र जी 3 दिन तक बड़े क्रोधित हो गए, 3 दिन तक रहे, प्रार्थना कर रहे थे समुद्र से रास्ता दीजिए, रास्ता नहीं दिया, तो फिर रामचंद्र जी क्रोधित हो गए, धनुष बाण उठा लिया कि मैं समुद्र को सुखा देता हूँ, लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष। उस समय समुद्र सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखिए आपका ही नियम है कि समुद्र रास्ता नहीं दे सकता, ये तो प्रकृति का नियम आपने बनाया है, आप कहिए तो मैं कर देता हूँ, लेकिन आप अपने नियम को क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो रामचंद्र जी का फिर क्या है बाहर जाने के लिए, उन्होंने कहा आपके सेना में 2 एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं नल एंड नील, सो ये जो ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नल नील एंटरप्राइजेस को दिया गया राइट और उन्होंने बनाया। क्या विज्ञान था, कोई खंभे नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुरू किया अभी अभी आप बनाना शुरू कीजिए, इतना लंबा था वो 100 योजन और 10 योजन चौड़ा, इतना बड़ा मैंने 80 मील कितना बड़ा उन्होंने बना दिया, किस लिए, विज्ञान था ना। लोग कहते हैं कि भगवान राम का नाम लिखकर पत्थर पैर में लगे राइट, यही सुना है तो वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है, जैसे पत्थर पैर रहे उसमें लिखा है नल नील एंटरप्राइजेस को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया बहुत जल्दी। अच्छा ये भी नहीं कि टाइम लगा, अरे ठीक है बनाया होगा 1-2 साल, कितने मेहनत का काम है, क्या किया, कुछ नहीं, 1-2 साल होते तब तक तो रामचंद्र जी कुछ ही समय में बना दिया चल दी। तो इससे हम सोच सकते हैं हमारा विज्ञान कितना आगे था। एक और उदाहरण देते हैं, आप में से कोई हम भी गए हैं हॉस्पिट, हम भी यस एक दो लोग गए, वहाँ पर एक मंदिर है आज भी है, आप जा सकते हैं विट्ठल मंदिर, वो पहले भगवान अल्प जो हम भी में भी मंदिर है, केवल नाम के मंदिर है, वहाँ मूर्तियाँ नहीं है, सब तोड़ दी गई हैं, खंडित हो गई, हटा दी गई हैं, लेकिन मंदिर अभी भी है, खंडहर है। तो एक विट्ठल मंदिर है उसमें आप जाइए, आज भी आप देख सकते हैं उसमें खंभे हैं, म्यूजिकल पिलर्स कहते हैं उसको। तो वो भगवान जहाँ थे विट्ठल जी उनके ही हॉल में देखते हैं कि पीछे खंभे लगे हुए हैं, हर एक खंभे से अलग अलग वाद्य की आवाज आती है, आज भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कल्पना है, ऐसा है आज भी आप देख सकते हो, हर खंभे से अलग वाद्य की आवाज आती है, वहाँ गाइड ले जाके दिखाते हैं आप आवाज सुनिए, अलग अलग आवाज आएगी। तो अंग्रेजों के समय उन्होंने सोचा कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, हमें देखना है, तो उन्होंने खंभे को तोड़ा देखने के लिए अंदर क्या है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, क्या क्या बनाया है, कुछ नहीं, सॉलिड खंभा है बस। तो कैसे है, क्या विज्ञान है आज हमें पता ही नहीं है, हम केवल ढूंढ रहे हैं कि क्या विज्ञान है, किसी को नहीं पता कैसे वो इसमें से अलग अलग वाद्य की आवाज आ रही है। हमारे पहले के मंदिर बने, हम लोग कहते आज हम लोग बढ़ गए, क्रेन्स है हमारे पास, सब कुछ है, इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर पहुंचे कैसे, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे तो कैसे पहुंच गए ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि हर नक्षत्र में कुछ ऐसा समय होता है जहां पर वो जो पत्थर हैं वो भारी नहीं होते, हल्के हो जाते और मंत्र की शक्ति से एक व्यक्ति उठाकर ले जा सकता। तो ये चीजें हैं, तो ये कहाँ है हमारा विज्ञान बताइए। अभी अनंत पद्मनाभ मंदिर में है, बहुत सारा धन मिला है, ये हम आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं व्यवहारिक जो आप देख सकते हैं। अनंत पद्मनाभ मंदिर में बहुत सारा धन मिला है, उसमें कई तिजोरियां हैं, बहुत तिजोरी मतलब ऐसी छोटी नहीं जो आपके घर में होती, पूरे पूरे कमरे इतनी बड़ी एक तिजोरी, तो एक खोली बाकी खोल नहीं पा रहे हैं, ये मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खोलना क्योंकि एक से इतना मिल गया बाकी में क्या होगा, लेकिन उनमें से एक मंत्र से बंद है, उसको अगर खोलना है तो बम से उड़ाना पड़ेगा, बम से उड़ाया तो मंत्र उड़ जाएगा, इसलिए उसको खोल ही नहीं सकते और उसका मंत्र किसी को पता नहीं। तो देखिए ये हमारा विज्ञान है, करिए किसी दरवाजे को मंत्र से बंद, तो केवल करते हैं आजकल आगे ना कि साउंड से बोला जाता है तो खुल जाता है, साउंड रिकॉग्नाइज करता है, कैसे मंत्र है। तो ये विज्ञान बहुत पहले का प्रयास नहीं हुआ है, तो इन चीजों को हमें जानना चाहिए ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर वर्णन की गई है कि हमारा विज्ञान तथाकथित प्रगति कर रहा है। आगे ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निकट अज्ञान को बताते बताने वाले हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना होता है।
ये हैं जन्म वृद्धि प्रारंभ उत्पादन क्षय तथा अंत गौतवा मृत्यु। प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन छह नियमों से परे नहीं हो सकता। अतएव चाहे देवता मनुष्य पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। तो समझ में आ गया, आपको समझाने की जरूरत नहीं। हम लोग अलग अलग अवस्था से जाते हैं और फिर अर्थता मिलती है। दूसरे को पढ़ी है, जीवन की अवधि की योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इस भौतिक ब्रह्मांड में जीवों में प्रधान ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे तक ही जीवित रहता है। किंतु इस भौतिक जगत में कोई शाश्वत काल तक जीवित नहीं रह सकता। इस जगत में वस्तु विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती है या पैदा की जाती है। वे कुछ काल तक रहती है और यदि वे बनी रहती है तो उनका विकास होता है, उत्पत्ति करती है, क्रमशः छिन्न होती है और अंत में लुप्त हो जाती है। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहलाता है। तो उसी चीज़ को समझाया कैसे छह अवस्थाएं होती हैं, तो प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं कि कैसे वो मृत्यु तक जाता है। आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। तो जी बोर्ड थोड़ा घुमा लीजिएगा लिखने के समय, आप उस तरफ बोर्ड को घुमा लीजिए, लिखती है घुमा लीजिए, सारे लोग आपको देख रहे हैं। हाँ ठीक है, घुमा लीजिए, आप लिखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको चेंज कर लीजिए। हाँ जी बड़ी, समय व्यर्थ नहीं कीजिए। समय भौतिक वैज्ञानिक तथा राजनेता इस स्थान को मृत्युविहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्युविहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह दोष वैदिक साहित्य के प्रति उसका उनका ज्ञान है, जो परिपक्व दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। विष्णु पुराण 6761 से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षत्र व्याख्या तथा परा विद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति निश्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं, ये परा उत्तम तथा अपरा हीन कहलाती हैं। जीव पराशक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिसमें हम अभी फंसे हुए हैं वह अपरा शक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये आप लोगों को तो पता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं। हम लोग इसमें आते हैं, जीव को आच्छादित किया जाता है। आपको ध्यान है, चार्ट के द्वारा हमने समझाया था आपको कैसे जीव आच्छादित होते हैं, याद है? हाँ, तो कौन कौन सी पांच अवस्थाएं थी जीव की? स्टार्टिंग पहली क्या है? आच्छादित। दूसरी संकुचित। तीसरी मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। आगे चलिए, तो ये पढ़ चुके हैं इसलिए समझा रहे हैं। फिर भी भगवान की उत्तम शक्ति का एक और भाग भी है, जो इस भौतिक अपरा शक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस उत्कृष्ट शक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर धाम बना है। इसकी पुष्टि श्री भगवद गीता 8:20 में हुई है। पर तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। सारे भौतिक लोक ऊर्ध्व निम्न तथा मध्य लोक, जिनमें सूर्य चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं। ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ निम्न लोग तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा के दूसरे दिन उनकी पुनः संरचना की जाती है। ऊर्ध्व लोगों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोगों में हमारा एक वर्ष उनके एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। अच्छा ये बताइए कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, सारे जीव कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी तो सो जाते हैं, जीव कहाँ जाते हैं? सुप्त अवस्था में भगवान के पास चले जाते, फिर वापस क्यों आते? भगवान के पास जाकर वापस आने की क्या जरूरत है?
बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन कहाँ जाते हैं भगवान के पास? महाविष्णु के शरीर में। महाविष्णु के शरीर से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और अगर महाविष्णु के शरीर में चले जाएं तो फिर वो महाविष्णु के शरीर में तब जाते हैं जब प्रलय, पूर्ण प्रलय होता है, सारे ब्रह्मांड वापस उसमें चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, ब्रह्मा जी के दिन के अंत में अगर वो महाविष्णु में जाने लगे तो फिर से ब्रह्मा जी का जन्म होना पड़ेगा रोज। ब्रह्मा जी का जन्म किससे होता है? महाविष्णु से, गर्भ दक्षा विष्णु से। तो कैसे महाविष्णु के पास जा सकते हैं हर रोज रात को? महत्तत्व में मिल जाते हैं, आप तो और पीछे चले गए, सारा ही खत्म करते हैं। हाँ तो होता क्या है? रात, ब्रह्मा जी की रात आ गई, क्या होता है ब्रह्मा जी की रात में? ब्रह्मा जी सोते कि नहीं सोते? कि ब्रह्मा जी एकदम बैठे ही रहते कमल के ऊपर, और सोते हैं तो कहाँ सोते हैं? और जीव क्या करते हैं उस समय जब सोते हैं? अव्यक्त अवस्था में। अव्यक्त अवस्था, जीव अव्यक्त हो सकता है? भौतिक जगत व्यक्त अव्यक्त होता है, जीव व्यक्त होते हैं, जीव तो हमेशा है, शाश्वत है, जीव कैसे अव्यक्त हो जाएगा? अव्यक्त अवस्था मतलब क्या? दिखता नहीं, किसको कहते हैं अव्यक्त अवस्था? आप लोग कह रहे सही, हमें एक बात बता दें आप लोग, जब हम ऐसे प्रश्न पूछा करते ऐसा मत सोचिए कि आपको कुछ ज्ञान नहीं, आपको सब पता है, बस जब पूछते हैं ना तो उस समय एकदम घबरा जाते, बोलना क्या है, बस उतना ही है, नॉलेज सब है आप लोग, ठीक। हाँ जी, हम लोग भी सुप्त अवस्था में है इस समय। अच्छा, ओके, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। एक्चुअली इसका तो हमें आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लगाना चाहिए था समझ में आए, लेकिन फिर भी स्पष्ट ये है कि ब्रह्मा जी की रात्रि में, यहाँ जैसे लिखा है, आप लोग ध्यान से बिल्कुल एक पढ़ते, इस पर लिखा है कि कुछ छोटे लोग नष्ट, छोटे जो लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो बराबर आप लोग ने ब्रह्मा जी के समय, एक दिन के समय पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में नष्ट होता है, लेकिन कुछ लोग, छोटे लोग नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में भी लोक नष्ट होते हैं। तो क्या होता है, ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो जितने नीचे के लोक हैं, स्वर्ग लोक तक अर्थात पृथ्वी इत्यादि, ये सब ये पानी में निमग्न हो जाते हैं, यानी नाश हो जाता है। और फिर ब्रह्मा जी सभी जीवों को लेकर गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं सोने के लिए। तो वो उनका सोने का स्थान है ब्रह्मा जी का, और जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सारे जीव भी उसी में सोते हैं जाते हैं, राइट? ये कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत में लिखा है, भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो सब लोग, सारे जीव ब्रह्मा जी के साथ कहाँ चले जाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में। तो हमारे लिए वो बेड है, राइट? तो सब जाकर रात भर सोते हैं वहां पर, और फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि प्रारंभ करते हैं, हर रोज सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। एक सृष्टि होती है तो उस समय ऊंचे के लोग बने रहते हैं, उनकी सृष्टि नहीं करते हैं, नीचे लोगों की सृष्टि फिर से ब्रह्मा जी करते हैं। ये यहाँ पर भगवान ने स्वर्ग सारे दिन केवल ऊपर जन लोग महान लोग तक लोग ये बचे रहते हैं। आगे इन लोगों की क्या होता है इसमें, हमारे पढ़ लीजिए। सारे भाई, सारे भाई पढ़ लीजिए, कहीं का किसी का कुछ एक हमारे को बंद कर दो। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, अभी बढ़िए। इन लोगों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग उनके केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। यदि इस काल को 1,000 से गुणा किया जाए तो यह ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होगा, और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। और कोई बढ़िया आगे 12,000 वर्ष का कैसे? चलो आपने पूछा तो सही, ये 12,000 वर्ष कौन से हैं?
अब उसको पढ़िए क्या लिखा, 12000 क्या लिखा। तो किनके केवल 12000? देवताओं के 12000, हमारे नहीं, देवताओं के 12000। हमारा हमारे 6 महीने देवताओं का 1 दिन होता है, तो देवताओं के 12000 जब लिए जाते हैं तो वो एक चतुर्युग में बन जाते हैं 43,20,000 साल। तो देवताओं के अनुसार हमारे अनुसार स्पष्ट है ना, वो 12000 साल। ठीक है, आगे बढ़िए। वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं तथा वे जो मर्त लोक में या पृथ्वी तथा नीचे के अनेक ग्रह सम्मिलित है निवास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर आगे तो जी आपने पूछा था स्वर्ग में जाता है कि नहीं, यहाँ पर बात कर सकते। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकट अवस्था में नहीं रहते, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं, यह प्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो एक अंत अवस्था आती है, किंतु दो अव्यक्त अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोग हैं और वे उस समय भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं। जब इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोग ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं, भौतिक ब्रह्मांड अनेक है और इसमें से प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मा के अधिकार में होता है और यह पूरा दृश्य जगत जो अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं के अधिकार में है वह परमेश्वर की मात्र 1/4 शक्ति का प्रदर्शन है। एक पाद विभूति या अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति है ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के परे है। आध्यात्मिक प्रकृति जो द्विपाद विभूति कहलाती है और यह भगवान की शक्ति का 3/4 भाग होती है, यह परा अर्थात कृत प्रकृति है। हाँ, दो प्रकार की अव्यक्त अवस्थाओं का वर्णन किया प्रभुपाद ने, एक ब्रह्मा जी के दिन के अंत में और दूसरा ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में। तो जीव जो होते हैं वो अव्यक्त, अव्यक्त हो जाना मतलब गायब नहीं हो जाते हैं, ये ध्यान रखिए। अव्यक्त हो जाना मतलब केवल उनको भौतिक शरीर अभी नहीं है और वो उस अवस्था में गर्भोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मा जी के साथ, उसको अव्यक्त। तो इन दो अवस्थाओं के परे है भगवान का धाम, जिसका वर्णन प्रभुपाद ने यहाँ पर किया और जिसको त्रिपाद विभूति कहते हैं। मतलब ये जो भौतिक जगत है केवल 25% हम देख रहे हैं, इसके परे 75% वहाँ पर है। और इस भौतिक जगत में भी कई ब्रह्मांड हैं, एक ही ब्रह्मा नहीं है। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, ब्रह्मा जी के 4 ही मुख हैं केवल। इसका वर्णन भागवत कृष्ण लीला में आपने सुना है ना, ब्रह्मा जी आए दरवाजे खटखटाया, द्वारपाल ने बोला क्या है, कहाँ जाना है, बोले कृष्ण को मिलना है, बोले रुको बोल कर आता, क्या नाम है आपको, तो बोले बोले जाके ब्रह्मा जी आए। तो उन्होंने जाके कृष्ण को बोला ब्रह्मा जी आए, कृष्ण बोले जाके तुझे कौन से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने पहली बार ये सुना कि कौन से ब्रह्मा, तो एक ही हूँ इसमें। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या बताए कौन से ब्रह्मा, तो उनका विशेषता क्या, 4 मुख है। तो उन्होंने कहा 4 मुख वाले ब्रह्मा आए। और कृष्ण ने कहा अच्छा बुला। तो बातचीत हुई, जाके प्रणाम प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोला प्रभु एक सवाल है, आपने पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, क्या ब्रह्मा भी बहुत सारे हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा। तो फिर कृष्ण ने सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को बुलाया। तो ब्रह्मा जी हर एक ब्रह्मा आ रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये ब्रह्मा जी सबको देख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा 8 मुख वाले ब्रह्मा आए, 16 मुख वाले ब्रह्मा आए, 1000 मुख वाले ब्रह्मा आए। और ब्रह्मा अपना तो शर्म पानी पानी हो गई, मेरे तो 4 ही मुख है इतने सारे। तो इतने ये जितनी दिशाएं होती हैं, जैसे ब्रह्मा जी की 4 हमारे इसमें 4 प्रमुख दिशाएं हैं ना, तो वो कई 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 बड़े बड़े ब्रह्मांड है जिनमें कई और दिशाएं, तो ऐसे ब्रह्मा जी के मुख होते हैं। तो वो सब आए, तो वो देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। तब उन्हें पता चला कि मैं अकेला ब्रह्मा नहीं हूँ। तो ऐसे अकेला ब्रह्मांड नहीं है, कई सारे ब्रह्मांड हैं। महाविष्णु के शरीर से जो ब्रह्मांड निकलते हैं, ये आपने देखा वो क्या कहते हैं उनको, बबल्स, बुलबुले,
तो जैसे वो निकलते धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो महाविष्णु के शरीर के जितने पास है वो छोटा है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा है। ब्रह्मा जी के चार ही मुख है, चार दिशा है, कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड होंगे, और हम लोग इसी ब्रह्मांड की सीमा को पार नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर वर्णन है कि भगवान की ये जो सारे ब्रह्मांड मिलकर केवल 25% एक पाद विभूति करता है। हजार दिशा है, तो हमारे लिए कल्पना करना कि हजार दिशा क्या होते हैं, तो चार के परे सोच ही नहीं सकते। तो इतने सारे वो बड़ा ब्रह्मांड बहुत बड़ा। ठीक है, आगे बढ़े। हम लोग तो चार सिर का कोई व्यक्ति हो सकता है ये भी नहीं सोच सकते हैं, फिर भी स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठाता परम पुरुष श्री भगवान श्री कृष्ण है। जैसा जैसा कि भगवत गीता में 8.22 में पुष्टि की गई है, केवल केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं। कर्मी लोग स्वर्ग लोगों तक जिनमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित हैं पहुँच सकते हैं। ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्च लोग यथा महल लोग तपो लोग तथा ब्रह्म लोग तक पहुंच सकते हैं, किंतु भक्ति द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के प्रदीप्त विश्व परिवेश में ब्रह्मा या वैकुंठ लोकों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ लोकों में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। वैकुंठ लोकों में प्रवेश की एक मार्ग है शुद्ध भक्तों का संग करना। हमारा बड़ा भाग्य है कि हमारे बीच में परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आए हैं। तो स्वागत कीजिए जोर से। हरि बोल, हरि बोल।